सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 12:30 PM और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली आप लोगों को जैसे कि याद होगा कि हम लोग बालवीर के सेट के बाद, जो हमारा बालवीर का सेट का रैपअप वाला था व्लॉग, उसके बाद हम लोग बीच गए थे। एंड बीच से पहले हम गए थे एक नर्सरी। तो अब हम वहाँ से नर्सरी से हम प्लांट्स लेने थे, लेकिन हम प्लांट्स ले नहीं पाए थे क्योंकि जब हम रात में वापस आ रहे थे तब हमें वो नर्सरी मिली नहीं। हमने उनको बोला था कि आप पौधे बना के रख देना, वापस आते हुए ले जाएंगे, लेकिन हमें दिखी नहीं और वो काफ़ी पीछे निकल गई थी वहाँ मड में, तो उस वजह से हम ले नहीं पाए। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ से प्लांट्स लेने के लिए। और आज मैंने काफ़ी लेट शुरुआत की क्योंकि मैं बहुत लेट उठा था, तो उस वजह से आज ब्लॉग की शुरुआत भी काफ़ी लेट हुई। आज हम देख लेते हैं क्या नाश्ते में बन रहा है, फिर नाश्ता करने के बाद हम सीधा निकलेंगे नर्सरी के लिए जो है मड में। चलो, आज मैं नाश्ते में खा रहा हूँ आलू का पराठा, दही, और मम्मी ने ऐसे चटनी बनाई थी लेकिन मेरे को सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आलू का पराठा खाने वाला हूँ सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने नाश्ता कर लिया है और तो चलो, अभी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी बज रहा है 1:30 और अभी हमें फटाफट निकलना पड़ेगा मड के वो नर्सरी के पास, क्योंकि वो 2:30 पे खाना खाने निकल जाता है। फिर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन चलो चलो अभी चलो। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं तो चलो चलते हैं। हम लोग वो वापस नर्सरी आ चुके हैं और हम लोग उस दिन काफ़ी आगे निकल गए थे, तो उस वजह से हम वापस जा नहीं पाए। हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे, ये मान लो कि हम लोग 6-7 किलोमीटर आगे आ चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि वापस नहीं जाते, 2-3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। तो अभी हम लोग आए हैं और अभी ले रहे हैं प्लांट्स। आप लोगों को शायद से याद होगा, हम पिछली बार जब भी आए थे मड में तब हमने एक आंटी से भुट्टा लिया था, मतलब कौन, तो आज भी हम ले रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा भुट्टा आ चुका है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और जो हमने प्लांट्स लिए थे वो गार्ड भैया लेके आ रहे हैं और बालकनी में, उधर वाली बालकनी में रख दे रहे हैं। ये रहे हमारे गार्ड भैया जो भी प्लांट्स रख रहे हैं। सो ये रहे हमारे सारे प्लांट्स। कैसे लगे आपको हमें बताइएगा। तो ऐसे टंगेंगे हमारी ये प्लांट्स, अगर आपको ऐसे रील्स, अगर आपको ये प्लांट्स हम देखना है प्रॉपरली कि हमने कैसे जमाए होंगे, तो हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, उसमें आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, अभी घर आएगी नहीं कि नहीं, इसको रील्स बनानी है। एक्चुअली क्यों रील्स बना रही है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है रील्स का। स्टॉक नहीं है और ऊपर से अभी इसको, मतलब ऐसे घर से वापस आई ना तो कार ज्यादा कहीं उतरी नहीं थी, तो इस वजह से इसने कहा फटाफट पहले रील्स बना ली, फिर ना फिर चेंज कर लूंगी। बिग ब्रेन्स, खेलो दिमाग से, ड्रीम इलेवन। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे 7:30 और मम्मी ने चाय बनाई थी, तो हम लोगों ने सोचा हम ब्रेड भी ले ले, और ये मेरे एयरपोर्ट जाके साथ में। नहीं, अभी हमारे यहाँ पे वॉशरूम में काम चल रहा था, तो अभी वो काम हो चुका है, तो मतलब कल से चल रहा था लेकिन अब तक नहीं पता, लेकिन आज हो चुका है फाइनली। वो इंटरनल फ्लश का दिक्कत आ गया था, तो अभी वो ठीक हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो चुका हूँ। एक्चुअली मैंने कई दिनों से रील्स नहीं बनाए थे और मेरे पास रील्स का स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा आज रील्स बनाते हैं। और ये रहा मेरा बैकग्राउंड, यूजुअल माय यूजुअल बैकग्राउंड। ये रहा हमारे अपना बैटमैन और उसके पीछे है स्पाइडरमैन। टन डन टन डन।
और ये रही मेरी रिंग लाइट जिसपे मेरा फोन लगा है, अभी मैं इस पे बनाऊंगा रील्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रील्स बना रहा था तो अचानक बनाते बनाते मम्मी ने बोला कि आके खाना खा ले। सो फ्रेंड्स, जब मैं रील्स बनाना शुरू किया था तब बज रहा है 6:30 और अभी बज चुका है 8:30। मतलब बताओ टाइम, मतलब मैंने सोचा 10-20 मिनट रील्स बना लेता हूँ, लेकिन बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। अब मेरे को सच्ची रियलाइज़ हो रहा है कि टाइम ट्रैवल इज़ रियल एंड इट सीरियसली इट्स रियल। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मम्मी ने क्या बनाया है। सो फ्रेंड्स, आज मम्मी ने बनाया है ग्रेवी, मंचूरियन ग्रेवी, और बनाया है साथ में फ्राइड राइस। ये हमारे घर के मैगी मसाला वाले फ्राइड राइस है। क्यों आर्मा पन्नी खा के क्या मिल रहा खाना खाओ। ये भी एक्चुअली ड्राइंग कर रही थी तो इसका ड्राइंग बना के हो चुका है। ये देखो ड्राइंग बनाते थे हम, यहाँ रील्स बनाते हैं। मतलब बताओ हम तो टिकिया बनाई है, टिकिया बताओ। मुझे गोप्रो की बैटरी चीज लग रही है, लगा लो GoPro। तो अभी चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। One hour later. So अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे घर में कुछ सीवेज का प्रॉब्लम हो गया है, तो एक बार नीचे गार्ड से पूछने जा रहा हूँ ये सीवेज किधर निकल रहा है, पता नहीं क्या इशू हो गया। मम्मी ने बोला कि बस जा चेक करके, तो मैं बस चेक करके आता हूँ क्या इशू है। सो अभी इशू तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से वो हो रहा है सीवेज का दिक्कत, लेकिन एक बार दूसरे साइड से चेक करके आ रहे हैं कहीं अगर वहाँ से इशू हुआ तो एक बार वहाँ चेक कर लेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से भी वो बोल रहे सीवेज निकलता है। तो एक बार वहाँ चेक करके आया, तो एक बार मैं चेक करके आता हूँ। तो अभी प्लम्बर भैया आए हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पे अभी। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं रात को एंड नहीं कर पाया था व्लॉग, और अभी जैसे कि बज रहा है, मतलब अगला दिन हो चुका है और अभी बज रहे हैं 12:45 और मैं एंड नहीं कर पाया था, तो मैं अभी एडिट कर रहा था, मैंने सोचा एंड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।